आप सोचिए, इतना बड़ा बादशाह जिसके हाथ में सब कुछ परमेश्वर ने दिया, केवल एक गलती की वजह से अपने तीर अपने ढाल का उसने मेंटेनेंस नहीं किया, उसकी देखभाल नहीं की। और दाऊद कह रहा है, हे गिलबो पहाड़ों, तुम पर ना ओस पड़े, तुम्हारी ढाल अशुद्ध हो गई, क्योंकि शाऊल की वो ढाल बिना तेल लगाए रह गई। आज मैं आपसे एक और बात करके फिर हम समाप्त करना चाहेंगे, और वो बात ये है कि युद्ध की चर्चा करते हैं, और युद्ध में हमेशा हम चढ़ाई की चर्चा करते हैं, दुश्मनों को मारेंगे, अपनी तलवार और अपने भाले को रोज चमकाते हैं। मैं आज एक स्पेशल चीज की बात करना चाहता हूं। मेरे साथ निकालेगा इफिसियों की पत्री, उसका छठवां अध्याय, इफिसियों छठवां अध्याय दसवीं आयत से, इफिशियन चैप्टर 6:10 ऑनवर्ड। मैं अपने सारे फेसबुक के और यूट्यूब के जो श्रोता हैं और दर्शक हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रहो, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, और संसार के अधिकार के हाकिमों से, और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध दो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रख सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर, और पाँव में मेल की समाचार सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, मैं 16 पद स्किप कर रहा हूं, और उद्धार की टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। अरे आप 16 क्यों स्किप कर गए? तो मैंने अभी तक जो ये पढ़ा, ये सारे हथियार आक्रमण के लिए थे, लेकिन 16वें पद में जो बात कही गई उस पर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। हम लोग तलवार की बात करते, तील की बात करते, भाले की बात करते, 16वें पद पर हमारा ध्यान बहुत कम जाता है। 16वां पद शुरू होता है किसी हथियार से नहीं, इन सब के ऊपर, किन सब के ऊपर? नंबर एक झिलम, 14वां पद में पढ़ते हैं हम लोग, इसलिए सत्य से अपनी कमर, नंबर एक कमर बंद, तब लोग बोलिए नंबर एक, धार्मिकता की झिलम नंबर दो, पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते नंबर, और उद्धार की टोप नंबर, और आत्मा की तलवार नंबर, जो परमेश्वर का वचन है वो ले लो। ये पांच चीजों से आप आक्रमण कर रहे हैं, मगर इन सब के ऊपर, अंग्रेजी में बहुत अच्छा लिखा है, अबव ऑल, सत्य से कमर और झिलम और उद्धार का टोप और मेल मिलाप के सुसमाचार के जूते, वो सब ठीक है, लेकिन आप बचेंगे तब तो आक्रमण करेंगे। हम अंग्रेजी में एक वर्ड है आक्रमण का, ऑफेंसिव जिसको बोलते हैं, सब आक्रमण करना चाहते हैं, अरे आज तो समझा देंगे, आज तो बता देंगे, आज तो ऐसा प्रचार के लोगों को काट दिएगा, वो सब ठीक है बाबा, लेकिन उन सब के ऊपर किसकी बात हो रही है? उन सब के ऊपर केवल एक चीज की बात हो रही है, और वो है ढाल की बात हो रही है। इन सब के ऊपर विश्वास की ढाल लेकर, आज ढाल पर बात नहीं होती है, और मैं सिर्फ एक जन का उदाहरण देकर के खत्म करना चाहता हूं। कितना इंपॉर्टेंट है, एक बहुत बड़ा शूरवीर था और उसका नाम था शाऊल, और शाऊली नहीं बल्कि शाऊल बादशाह नाम था, वो बादशाह था, परमेश्वर की ओर से अनॉइंट किया गया था। एक नहीं, दो नहीं, 11 लड़ाइयां लड़ी थी उसने, सब में विजयी हुआ आखिरी को छोड़ करके। इतना शूरवीर, परमेश्वर की ओर से अनॉइंटेड। मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि आक्रमण अपनी जगह है, लेकिन अपना बचाव मत छोड़िएगा। जिस देश में आर्मी होती है और जहां आर्मी रहती है उस कॉलोनी को क्या कहते हैं आशु भाई, जहां आर्मी रहती है? नहीं, जहां आर्मी रहती है, सेना रहती है, उसको क्या अंग्रेजी में बोलते हैं? डिफेंस कॉलोनी बोलते हैं। बोलते हैं ना, कहीं ऑफेंस कॉलोनी आपने सुना है? डिफेंस कॉलोनी सुना है कि नहीं सुना आपने? अरे भाई ये डिफेंस कॉलोनी क्या? डिफेंस कॉलोनी क्या?
साहब सेना रहती है यहां, यहां सेना का बचाव होता है, सेना अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखती है, यहां सेना के हथियार रहते हैं। आज मसीहियों की प्रॉब्लम यह है कि हम आक्रमण करने के चक्कर में इतना रहते हैं कि अपना बचाव हम भूल जाते हैं। इतनी लड़ाइयां लड़ने के, विजयी होने के बाद शाऊल धीरे धीरे केयरलेस होता गया। मेरी बात सुनिए, मैं खत्म कर रहा हूं। और बहुत बार चर्च आते आते हम केयरलेस हो जाते, हमारा डिफेंस खत्म हो जाता। ऑफेंस हमारा बहुत अच्छा है, बिशप साहब आपने बहुत अच्छे अच्छे प्रचार किए हैं और बहुत अच्छा अच्छा आपने बताया है, हम किसी को भी जवाब मत दीजिए, जवाब अपने आप को बचाइए। मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने जान का जोखिम उठाए तो उसको क्या फायदा होगा। और आज मैं यही चाहता हूं कि पीस चर्च का एक एक जन, और सिर्फ पीस चर्च का नहीं, जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, अपने आप को जरूर बचाइए। कितनों को आपने मार गिराया ये छोड़ दीजिए, आप मार गिरा के ही क्या करेंगे जब आप खुद नहीं बचेंगे तो। सारी दुनिया को आपने प्राप्त कर लिया मगर अपने जान का जोखिम उठाया। और शाऊल की प्रॉब्लम यह थी कि वो तलवार पर धार करता था, भाले पर धार करता था, मगर एक चीज वो भूल गया, अपने आप को बचाना। वो बोला इस तलवार से तो इसको काटेंगे, उसको काटेंगे, उसको मारेंगे, लेकिन वो भूल गया कि कोई है मेरे साथ, प्रेज द लॉर्ड बोलने के लिए। धीरे धीरे तलवार और भाले का जमाना खत्म हो गया। सुनिएगा मेरी बात, शाऊल जो था काफी दिन तक उसने राज्य किया, और जब से उसने राज्य शुरू किया भैया, आखिरी में आते आते युद्ध की प्रणाली चेंज हो गई और तलवार और भाले की प्रणाली खत्म हो करके, क्योंकि तलवार और भाले की प्रॉब्लम ये थी कि आपको बहुत नजदीक जाना पड़ता था, ठीक है, तभी तो भाई तलवार कितनी बड़ी होगी, 3 फीट की 4 फीट की, तो नजदीक जाना पड़ता था। भाले के लिए भी आपको या तो आप भाला फेंक रहे हैं तो बहुत मजबूत होना पड़ेगा, बहुत आपको ताकत, वो पूरा चेंज हो गया। और शाऊल को यह बात समझ में नहीं आ रही थी, युद्ध चेंज होकर के तीर में चला गया, अब युद्ध तीर से लड़ा जाने लगा बजाय तलवार के और भाले के। मसीहों, जब से आपने अपने विश्वास को शुरू किया है, शैतान ने भी अपनी टेक्निक बदल ली है। पहले हम लोग लालटेन में, और कोई है मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोले, और पेट्रोमैक्स में, ब्रिजेश भैया आपको याद होगा, कन्वेंशन लालटेन और पेट्रोमैक्स में होती थी और लोग पवित्र आत्मा से भरते थे। आज जब तक वो अलग हो, वो वाली जो कल लाइट होती है डांसिंग लाइट, हाँ, डिस्को लाइट जब तक ना हो, हाँ, आप देखिए यूट्यूब और वो सब भरा हुआ, अरे भैया फलाने आए हैं, और उनका आजकल गाने आप देखें कि नहीं, पूरा जैसे फिल्मी जगत का पूरा, जब तक सेटअप ऐसा ना हो और जब तक इधर से फोकस ना पड़े और ये ऐसे गा रहे हैं तो ऐसे गा रहे शैतान ने पूरा आपका आक्रमण ही चेंज कर दिया। आप है मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोलने के लिए। शाऊल ने अपनी टेक्निक नहीं चेंज की, अभी तक वो तलवार और भाले पर धार लगा रहा था, और उधर दुश्मन धनुष में प्रवीण होता जा रहा था। शमूएल की पत्री, पहला शमूएल, उसका आखिरी अध्याय, 31वां अध्याय। पलिश्ती तो इसराइलियों से लड़े और इसराइली पुरुष पलिश्तियों के सामने से भागे और गिलबो नामक पहाड़ पर मारे गए। इसराइली मारे जा रहे हैं, शाऊल के नेतृत्व में यह लड़ाई हारी जा रही है जी, उसकी वजह सुनिए, आगे सुनिए। पलिश्ती शाऊल और उसके पुत्रों के पीछे लगे और पलिश्तियों ने शाऊल के पुत्र योनातान, अबीनादाब और मलकीश को मार डाला। शाऊल के साथ घमासान युद्ध हो रहा था और धनुर्धारियों ने, तलवारबाजों ने नहीं, भालेबाजों ने नहीं, धनुर्धारियों ने उसे जा लिया और वह उनके कारण अत्यंत व्याकुल हो गया। भैया वो तो तलवार लिए हुए था, वो तो भाला लिए हुए था, और घेरा किसने? तलवार, ये धनुर्धारियों ने, जो धनुष चलाते तीर धनुष वालों ने घेर दिया और वो दूर खड़े हुए हैं, आओ आओ लड़ो हमसे, तो वो तो तलवार लेकर कैसे इसे नचा रहे हैं, भाला फेंक रहे हैं, वो कोई इधर चला जाओ उधर, और ये दूर से खड़े होकर के अपना धनुष लगाए हुए। मित्रों, शैतान टेक्निक चेंज कर चुका है, आपको डिफेंसिव होना पड़ेगा, बहुत जाके ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, होल्ड ऑन,
कहीं ऐसा ना हो कि आपकी तलवार वहीं की वहीं रह जाए और आपका भाला वहीं का वहीं। लिखा है कि वो व्याकुल हो गया, बोला भाई इसके लिए तो हम तैयार ही नहीं थे। और आज जो संसार का जो चेंज हुआ है, कोरोना के बाद जो चेंज हुआ है, आप इसके लिए तैयार हैं? अपने आप को तैयार कर रहे हैं? आगे सुनिए। और शाऊल के साथ घमासान युद्ध हो रहा था और धनुधारियों ने उसे जा लिया और वो उनके कारण अत्यंत व्याकुल हो गया। तब शाऊल ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे भोंक दे, ऐसा ना हो कि वो खतना रहित लोग आकर मुझे भोंक दे। आगे मैं एक लाइन कहना चाहता हूं, शाऊल जैसे बादशाह ने आत्महत्या की। अरे क्या बोल रहे हैं, ये कौन सा प्रचार है? शाऊल बादशाह जिसको परमेश्वर ने अनॉइंट किया था, जी उसने आत्महत्या, सुइसाइड किया, उसने सुइसाइड किया। और किसकी वजह से? धनुर्धारियों की वजह से। एक बात बताएं आपको, जो तीर हम खड़े वहां आकर के गिरी, हमको कोई फर्क नहीं। हा 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 करिए, क्योंकि वो तो वहां गिर गई। ठीक, जो तीर बगल से निकल गई, सन सन सन, हा 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 हा, ठीक बात है भाई, वो तो बगल से निकल गई, मगर उस तीर का क्या कीजिएगा जो आपके सीने के लिए आ रही है? फिर से सुनिए, जो तीर आपके सामने गिर गई, हा हा किरी, अरे कुछ कर नहीं पाए हमारा, अच्छी बात है भाई, नहीं कर पाए, फिर कुछ आक्रमण हुआ, अरे तो निकल गया दायब। लेकिन जो तीर, और याद रखिएगा जितने लोग यहां बैठे हैं, सबके लिए शैतान ने एक ऐसा तीर बना रखा है जो ना वहां गिरेगा और ना जब बगल से आएगा, वो सीधे आपके सीने पर आएगा। और शाऊल की प्रॉब्लम ये थी कि वो तलवार तो उसकी ठीक थी, भाला भी उसका ठीक था, मगर वो उस तीर के लिए तैयार नहीं था जो उसके सीने पर आ रही थी। और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह इफिसियों की पत्री, जो अभी हमने पढ़ा, सबके ऊपर आत्मा की तल की ढाल लेकर के, विश्वास की ढाल लेकर के, सबके ऊपर विश्वास की ढाल लेकर। अब आइए मेरे साथ पहला, दूसरा सामुएल पहला अध्याय। अब जब वो मर गया अशु भाई, उसने अपनी तलवार खड़ी की और उसके ऊपर गिर गया। ही सुइसाइड हिमसेल्फ, ही किल्ड हिमसेल्फ। कैन यू इमेजिन शाऊल का? और आज बहुत से मसीहियों ने अपने आप को सुइसाइडल कर लिया है, अपने आप को आत्महत्या के हवाले कर दिया है। और मैं आज आपको एनकरेज करना चाहता हूं, आप आत्महत्या के लिए नहीं बनाए गए, आप आत्मसम्मान के लिए बनाए गए, आप आत्मा के लिए बनाए गए हैं। परमेश्वर का आत्मा आप में रहता है, आपका कोई हक नहीं है अपनी जान लेने के लिए, अपनी निराशा करने के लिए। आप क्यों ऐसे कर रहे हैं, उसकी वजह जानते क्या है? दूसरा सामुएल उसका पहला अध्याय मैं पढ़ना चाहता हूं, उसकी 21वां पद मैं पढ़ना चाहता हूं। सुनिए सुनिए, कान खोल करके बिल्कुल सुनिए। हे गिलबो पहाड़ो, तुम पर ना ओस पड़े, ये दाऊद लिख रहा है। दाऊद डिटेल दे रहा है कि आखिर हुआ क्या, शाऊल कैसे मरा। अगर कोई दुखी था तो वो शाऊल, वो दाऊद दुखी था। दाऊद प्यार करता था, योनातान को प्यार करता था, शाऊल उसका दुश्मन था, उसके बाद भी वो प्यार करता था। बोला वो परमेश्वर का अभिषेक है, हम उसको नहीं छुएंगे। और वो एक गीत लिख रहा है और उसने लिखा, हे गिलबो पहाड़ो, तुम पर ना ओस पड़े और ना वर्षा हो और ना भेंट के योग्य उपज वाले खेत पाए जाए, क्योंकि वहां शूर वीरों की ढाले अशुद्ध हो गई, भाले नहीं तलवारे नहीं, उनकी ढाले अशुद्ध हो गई। और अशुद्धता कैसे फैली, आगे की लाइन, और शाऊल की ढाल बिना तेल लगाए रह गई। शाऊल की ढाल बिना अनॉइंटिंग के रह गई। उसने अपने तलवार को तेज किया, अपने भाले को तेज किया, मगर अपनी सुरक्षा। आप कहेंगे ये ढालों में तेल, उस जमाने में ढाले चमड़े की बनती थी मित्र, और वो चमड़ा तभी तक चमड़ा और किसी लायक था जब तक उसको तेल से चिपुड़ा जाता था। जब तेल उसके ऊपर पूरा उस पर लगा करके उसको पूरा ऊपर से नीचे से चारों ओर से तेल से डुबा दिया जाता था, वो लचीला होता था। मैंने क्या कहा आपसे, जो तीर आपके सामने गिर रही है, हा 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 कर लीजिए। जो तीर आपके दाहिने और बाएं से चली गई है, उसके लिए भी हा 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 कर लीजिए। लेकिन जो तीर सीधे निशाने पर आ रही है, उसके लिए हा 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 मत कीजिए, उसके लिए विश्वास की ढाल लेकर के तैयार हो जाइए। आप सोचिए, इतना बड़ा बादशाह जिसके हाथ में सब कुछ परमेश्वर ने दिया,
केवल एक गलती की वजह से, अपने तीर अपने ढाल का उसने मेंटेनेंस नहीं किया, उसकी देखभाल नहीं की। और दाऊद कह रहा है, हे गिलबो पहाड़ों, तुम पर ना ओस पड़े, तुम्हारी ढाल अशुद्ध हो गई, क्योंकि शाऊल की वो ढाल बिना तेल लगाए रह गई। और आज मसीहियों, हमने अपनी तलवार को बहुत तेज किया है, आज हमने अपने भाले को बहुत तेज किया है, मगर हमारा सेल्फ डिफेंस बिल्कुल जीरो हो गया है। आज थोड़ी सी आंधी आती है, परिवार में आंधी आती है, नौकरी पर आंधी आती है, कहीं पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाते हैं, हमारा विश्वास बिल्कुल डगमगा जाता है, चर्च छोड़ देते, बाइबल पढ़ना छोड़ देते, दशमांश देना छोड़ देते। कोई है आप मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोलने के लिए? वन वर्ड, एक वर्ड हम कहना चाहेंगे, नेग्लिजेंस, अवहेलना। आप सोचिए, तुम एक सिपाही हो, और सिपाही अगर अपने हथियारों की देखभाल ना करे, उसको इग्नोर करे, उसकी बेकदरी करे, उसको डिसरिस्पेक्ट करे, आप अपने विश्वास का डिसरिस्पेक्ट करते हैं? परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने आपको विश्वास दिया, और हम और आप तो इतने सौभाग्यशाली हैं, वी आर सो ब्लेस्ड। सारे रिलीजन ने ज्ञान को बंद करके रखा, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, सब रिलीजन, ज्ञान नहीं होगा, आपको उसकी किताबें नहीं मिलेंगी, उनका ट्रांसलेशन नहीं मिलेगा आप। और परमेश्वर ने यह वचन कहां से कहां से कहां से राजाओं से और मंत्रियों से और संतियों से बटोर करके और हजारों लाखों की संख्या में प्रिंट किया, ताकि आपका विश्वास बढ़े, आपको डिफेंसिव हो। परमेश्वर ने अपने आप को एक्सपोज किया, बाकी सब बंद कर दिया, कपाट बंद कर दिया गया, दरवाजा बंद कर दिया गया, फलाना बंद, हमारे प्रभु ने एक्सपोज कर दिया अपने आप को, क्रूस पर चढ़ गया वो, पूरी तरीके से उसने अपने आप को आपके हवाले कर दिया, उसने उस ज्ञान को छिपा करके नहीं रखा, आसमान से जमीन पर वो आ गया, उसने स्वर्ग की बातें बताई, बाकी लोग तो दुनिया की बात बताते, ये नदी है, ये तालाब है, ये तो ये फलाना है, ये ढिकाना है, हमारे प्रभु ने कहा और स्वर्ग का राज ऐसों के समान है, और स्वर्ग का राज उन दस कुंवारियों के समान है, और स्वर्ग का राज ऐसे के समान है। ऐसा प्रभु जो आपको इतना बड़ा ज्ञान देता है, आप अभी भी मूर्ख रहना चाहते हैं, अभी भी बिना उस तेल के, उस अनॉइंटिंग के अपनी ढाल को लेके, जो ढाल में तेल नहीं लगा वो ढाल किसी काम की नहीं, वो मिट्टी है, वो आपके लिए जहमत हो जाएगी। आप तो बहुत उस पर विश्वास किए हुए हैं, अरे हम अपनी ढाल पर, हमारा विश्वास है, हमारे पापा क्रिश्चियन थे, हमारी मम्मी क्रिश्चियन थी, मगर जब मुसीबत आई तो आप ही की ढाल को वो शत्रु का तीर छेद करके आपके सीने में घुस गया। फिर से मैं पढ़ना चाहता हूं, हे गिलबो पहाड़ों, तुम पर ना ओस पड़े और ना वर्षा हो और ना भेंट के योग्य उपज वाले खेत पाए जाए, क्योंकि वहां शूरवीरों की ढालें अशुद्ध हो गई और शाऊल की ढाल बिना तेल लगाए रह गई। यीशु मसीह जब जाने लगे तो अपने चेलों से, अपने विश्वासियों से कहा, यरूशलेम में ठहरे रहना, वहां मैं तुमको प्रचार करना सिखाऊंगा, वहां मैं तुमको बाइबल स्टडी सिखाऊंगा, वहां पर मैं एक सेमिनरी, एक बाइबल कॉलेज में भेजूंगा, वहां मैं तुमको गिटार बजाना सिखाऊंगा, वहां मैं तुम, मैं इनके खिलाफ नहीं, प्रभु करे कि आप बाइबल कॉलेज भी जाए, सेमिनरी भी जाए, गिटार भी बजाए, कीबोर्ड। यीशु मसीह ने कहा, बिना सामर्थ के, जब तक ऊपर से अनॉइंटिंग ना आए तुम्हारे ऊपर। मित्रों, इस अभिषेक को मामूली मत जानिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी तलवार धरी की धरी रह जाए, आपके भाले धरे के धरे रह जाए, मगर आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह में, यहो में विश्वास बा, हो में विश्वास बा, ये सब आपको बेकार कर देगा। जब मुसीबत आएगी तो केवल यीशु का नाम ढाल बन करके आपकी रक्षा करेगा। अपनी आंखों को बंद कीजिएगा। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, हम नहीं चाहते कि हमारी वो ढाल बिना उस आत्मिक तेल के, बिना उस अभिषेक के रह जाए प्रभु जी, क्योंकि शैतान ने एक तीर तो मेरे लिए बना रखा है, और वो तीर ना मेरे आगे गिरेगा, ना मेरे बगल से गुजरेगा, वो सीधे मेरी जिंदगी को हलाक करेगा। खुदा, आज नहीं तो कल, शायद किसी की बातें, शायद कोई परिस्थितियां, शायद कोई फैमिली मैटर, शायद कोई फाइनेंशियल मैटर हमको कहीं ना कहीं से डिगा देगा। हो सकता है शारीरिक कोई ऐसा मैटर हो, और जिसमें हम विश्वास की ढाल इस्तेमाल ना कर पाए। शाऊल इतना वीरवान था प्रभु जी, मगर धनुर्धारियों की वजह से वो व्याकुल हो गया।
खुदावन शैतान इतने तीर चलाता है, तेरा वचन कहता है कि ताकि तुम आत्मा की तलवार ले लो, ताकि तुम उस शत्रु के जलते हुए तीरों का सामना कर सको। प्रभु जी हमें ताकत दीजिएगा, बुद्धि और ज्ञान दीजिएगा कि हम शैतान के जलते हुए तीरों का सामना कर सके। हम यहां से जब जाए प्रभु जी, ये दिमाग में हमारे कौनता रहे कि जब शाऊल जैसा बादशाह गिर गया प्रभु जी, खत्म हो गया, आत्महत्या कर ली, क्योंकि उसने अपने हथियार पर, अपनी सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया। प्रभु जी होने दे कि वो आत्मा की तलवार के साथ साथ हम विश्वास की ढाल लेकर के उसको अभिषेक करते रहे। हम सबको बड़ी आशीष दीजिएगा, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।